अस्सलाम वालेकुम, मैं गोपी पिला, आप व्हाट्सएप। तो कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक है, उम्मीद है सब कुछ बास चल रहा होगा। बड़ी शिकायत है, फ्लॉग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब आएगा। और आज का जो ए फ्लॉग है भाई, वो ये है कि आज हम जा रहे हैं मैम मतीरा के पास। वो कहते हैं इंग्लिश में क्यूकम्बर थे, उर्दू में खीरा। हम जा रहे हैं मिलने, वो कहते हैं इंग्लिश में क्यूकम्बर थे, उर्दू में खीरा। जिससे आज हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम है मतीरा। तो भैया मैं जा रहा हूँ, उन्होंने अपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है और काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही थी। हम कोऑर्डिनेशन में थे, ज़्यादातर मैम बिजी होती थी, थोड़ा सा मैं बिजी होता था, पर आज हमने फाइनली सेटअप कर लिया कि आज उनसे मिलना है और आज हम करेंगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड। तो फटाफट से चलते हैं, पहले कहाँ पर समझ तो गए हो गए, कहाँ? चलो फ्रेम में कपड़े सूख रहे हैं भाई, तो घर है, कहाँ सुखाएं कपड़े, यहीं सुखाने पड़ते हैं। गैलरी होती इसलिए, पाकिस्तान में गैलरी होती कपड़े सुखाने के लिए, समझ रहे हो? बैल्कनी क्या हो रहा है मुझे। हाँ, तो भाइयों आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप हो गया शुरू। सो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक नया प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप मैच देख के बना सकते हो पैसा ही पैसा। Parables provide the best odds and bets on all World Cup matches, including your favorite matches like Pakistan, India and Bangladesh. अपनी फेवरेट टीम पर खेलो और पैसे बनाओ। और हाँ, Parables पर आपको मिल सकता है 40,000 PKR का मस्त रिवॉर्ड ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। सिर्फ यही नहीं भाई, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों बहुत सिंपल है। मतलब अपने बैंक से इजी पैसा, जैश कैश मनी को कोई भी चीज़ से मस्त विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सो किस चीज़ का इंतजार है, फटाफट से जाओ, ये रहा कमेंट पिन हुआ हुआ है, रजिस्टर करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो, 40,000 रुपये बनाओ, टकाटक पैसा कमाओ, पैसा ही पैसा। मैच देखो, पैसे कमाओ विद Parables। अंधेरे में जो है ना, मैं आपको एक दुख दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि मेरी गाड़ी के टायर से थोड़े से वीक, हमने गाड़ी की टांगों को छेड़ा मगर दिल आया दर्द में और टायर चेंज कराने के फौरन बाद हो गया एसी खराब। उसके बाद जैसे ही एसी सही करवाया है तो एयरबैग की लाइट आ गई। अब एयरबैग की लाइट का रीजन ये है कि अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के लिए जैसे ही स्टीयरिंग खुला था तो उन्होंने कहा कि ब्रो ये मसला हो जाता है, तो वो रील वगैरह वो थोड़ा सा छेड़छाड़ के लगेगी और सब सेट हो जाएगा। क्या मसला था? मतलब गाइस, जापानीज गाड़ियां आर द वेरी सेंसिटिव, यू नो। छेड़ा टांग को दर्द दिल में हुआ, क्या इस गाड़ी को फेंक दे इन कुआं? यहाँ पे क्यों फेंकते हैं यार? चलो यार, चलो यार, चलो यार, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मेरी अम्मा के बाद अगर कोई मेरे लाड नखर उठाता है ना, वो है ये इजाजत। सही है, मतलब भारी हो गया गेट भाई, सबके भारी हो गए, गेट भी भारी हो गया। जो इस बंदे को हमेशा तैयार करते हैं, तो स्टाइलिंग के मामले में नबील भाई गई। मैम से मिलने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम कुछ मीठा लेके जाएं, ठीक है? तो फिर हो सकता है वो डाइट पे ही, मगर दिस इज़ ज़रूरी। फिर फ़ौरन से पहले अब हम चलें स्टूडियो। अब हो गए हम थोड़े से लेट कॉल टाइम से। ओहो, क्या लग रही हो? इंग्लिश में मिरर थे, उर्दू में शीशा। कैसी है भाभी परेशान? अल्लाह का शुक्र। ये क्या सीन था भाई? 20 रुपए की नान है, नासिर खान जान है, टेढ़े मेरे कान है। कैसे भाई अजलान है? वाह वाह वाह, आमद होती है, आमद होती है। वाह वाह वाह, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सही। आई एम सो सॉरी, मैं बिजी थी। नो नो प्रॉब्लम। आपके गेस्ट नहीं है? ओ वाह, गुड लक। थैंक यू सर। गुड लक सर, गुड लक। उर्दू में नकली, इंग्लिश में फेक। जरनाब ने आपके लिए भेजा है बहुत प्यार से केक, वो मैंने रखवाया हुआ रिसेप्शन पे, तो फिर वो आप लेते भी जाएगा। मैंने कहा वो डाइट पे है मैम, पर स्टिल हमने बोला कि कुछ मीठा हो जाए। मैं डाइट पर कहीं से नहीं हूँ, पैसों की डाइट चल रही है खाने की नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच जनाब। मैम के साथ जो है ना, वो हो गया पॉडकास्ट खत्म और हमने शूट कर लिया रैप। अब मैं जाऊंगा सीधा बेगम के पास, उनको बोलूंगा 2 मिनट के लिए मिलने में, उनसे शक्ल दिखा दे ताकि जान में जान आ जाए, फिर मिलेंगे अपनी बुड्ढी से। मगर जब तक मैं घर जाऊंगा तो अम्मी सो गई होंगी। अब मसला सारा ये है कि मैंने खाना क्या खाना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है फिर अरे खाए क्या। जरनाब को मैंने किया जाने से पहले कॉल कि बाबा फ्री हैं तो मिल लेता हूँ और खाना भी डिसाइड कर लेते हैं, पर जरनाब ने कहा कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं लाली, और जो है वो पेशेंट्स का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो आप अभी खैर से घर जाएं, खाना बोल रही मैं खा लूँगी। तो अभी बस हम जो है वो जाएंगे अपने घर, पहले ढूंढेंगे कि हमें क्या है खाना, और उसके बाद हमें अपने घर जाना। वही चड्डी वही खाल है, कराची में ट्रैफिक का यही हाल है। वाह जी, इंसान रुल गया तो ट्रैफिक खुल गया। मम्मा क्या खाओगी? यहाँ क्या ला सकते हैं? मैं सब कुछ ला सकता हूँ, बताओ वो खाना क्या है? ओपीटीपी ओपीटीपी
वन पोटेटो ते टू पोटेटो ते मैं ला रहा हूँ तेरे लिए, जा बुढ़ी मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। ओके तो भाई भाइयों ब्रिज पे जो है ना वो है ट्रैफिक और गाड़ी तकरीबन बाउंस कर रही है खड़ी गाड़ी क्योंकि हैवी लोड ट्रैफिक जा रहा है तो फुल न्यूयॉर्क वाली वाइब आ रही थी कि गार्डजिला आने वाला है। भाइयों डराओ मत जल्दी पुल पार कराओ भाइयों और जी है ना मसला हो जावे। सालो विंग्स वापस लेकर आओ मेरी बेगम को पसंद है यार तुम लोगों ने क्यों डिसकंटिन्यू कर दें यार अजीब यार। मसला ये है कि मुझे ना ओपीटीपी से मैंने दो फ्राइड चिकन तो ऑर्डर कर दिया मगर मुझे ना टीपू का बन कबाब खाने की भी बहुत खुरक हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा उससे पेट भर तो जाएगा मगर क्या मैं यहाँ से जाते हुए टीपू को इग्नोर कर दूँ। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जो मचा रहा मेरे पेट में बवाल है। हो गए भाई और जरनाब की जो है वो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है पर पूरे टेन्योर में जब से जरनाब की हाउस जॉब शुरू हुई है ये पहली कॉल है कि जरनाब सोई नहीं वरना वो बता के सोती हैं कि मेरा अभी इतने घंटे का मतलब स्लीप ब्रेक आया है। मैंने पूछा सुबह मैसेज करके कि आप सोई नहीं तो बोलती नहीं ये पहली कॉल है जिसमें सोई नहीं है। अभी आएंगी तो पूछेंगी क्या हो गया अल्लाह खैर करे मतलब ज़्यादा ही पेशेंट थे क्या सीन था। बस तकरीबन पहुँच गया हूँ तू चिल्ला ले पहले साले। छोटे मुन्ने की स्कूल की छुट्टी हो गई है मगर ये आज तक की बोल रही है कि मेरी बड़ी बुरी कॉल थी क्योंकि इसमें क्या हुआ आप सो नहीं सकी मतलब पूरे 35 आवर्स 32 क्या हुआ भाई बस काम था ना बहुत ज्यादा एक मिनट भी नहीं सो। और आपकी कल मतलब आधा घंटा जिस तरह अपने टेबल पे बैठे बैठे हेड डाउन करके सो गई ऐसे। और आपने कल बिल्कुल जो है वो खाना भी नहीं खाया। कल ही तो नहीं खाया सुबह मैं घर से शेक पीकर आई शुक्र है मैंने शेक पिया था वरना मैं फोत हो जाती। शेक पीकर आई और उसके बाद सुबह 7:30 मैंने शेक पिया और उसके बाद कल रात 10:30 मैंने एक शवरमा खाया और अब आज 10 मैंने खाया पराठा बस खत्म छुट्टी मंगलवार था। और मैं क्रॉक्स लेके आई थी कि मैं क्रॉक्स पहनूंगी कि वो मतलब उसमें पाँव नहीं दुखते ना इतने इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बदल लूं। ये देखें यही पहने जो पेशेंट सीरियस थी उसकी क्या कंडीशन है वो अब सही देखें सूज गए बहुत सूज सारी मेरी बेगम बहुत मेहनत कर रही है उनका पैर बैंगन जैसा हो गया सूज जाते हैं पाँव बस थोड़े दिन की बात बस 2 नवंबर की मेरी जान छूट जाएगी यहाँ से गाइस। ये था छोटा सा व्लॉग और आने वाले टाइम में मथीरा मैम के साथ पॉडकास्ट आने वाला है। मजे के व्लॉग्स बहुत सारे आने वाले हैं ब्रेक थोड़ा है क्योंकि मोहतरमा आपने देखा कि वो कितनी हेक्टिक रूटीन है कितना हेक्टिक स्केड्यूल है हाउस जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट मैं भी कुछ कामों में बिजी हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक है टेंशन नहीं लेने का बस फटाफट से दोनों चैनल्स को प्यार बरसाने का और अपना बहुत ख्याल रखो दुआ में याद रखो दारी आउट ओके दा